हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रविंद और अब काफ़ी लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि काइनेटिक टाइपोग्राफी का एनिमेशन कैसे क्रिएट करते हैं, उसका ट्यूटोरियल प्लीज़ आप ट्यूटोरियल बनाओ। तो आज देखते हैं कि हम लोग लिरिक्स वीडियो या काइनेटिक टाइपोग्राफी का वीडियो कैसे हम लोग एनिमेट कर सकते हैं, जस्ट अ वेरी बेसिक। सो फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये जो मैंने बनाया था, ये मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। 1, 2, 3, I don't know who else to be. 4, 5, 6, like they say I can't be fixed. So, ये हम आज देखते हैं कि इस टाइप का अगर स्लाइड बनाना हो और ऑडियो सिंक करना हो तो हम लोग कैसे बना सकते हैं, और ये स्लाइड प्ले करने के लिए आप F5 प्रेस करना होता है। लेट मी जस्ट, अब क्या करते हैं कि एक बार फाइल में जाते हैं और न्यू स्लाइड ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं। सो ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन कर लिया है और पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। इसको डिलीट करने के लिए जैसे इसको सेलेक्ट करो और देन विल डिलीट। अब ये डिलीट हो गया है, अब हम क्या करेंगे। सो आज के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कुछ एक दूसरा डिफरेंट सॉन्ग सेलेक्ट करते हैं, जस्ट फॉर अ चेंज। सो फॉर एग्जाम्पल दिस वन। 5 AM and we are in trouble, but we don't really care. तो हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से जस्ट सेलेक्ट किया और अपने स्लाइड पे गए और यहाँ पे ड्रैग कर दिया, राइट। और इसको हम क्या करेंगे, प्लेन बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड में चलेगा और लूप नहीं करना है हमें इस ऑडियो को। आप चाहो तो आपको ये सॉन्ग का जहाँ, मतलब इस गाने का जहाँ से जहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है ऑडियो, आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 5 AM यहाँ से हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं स्टार्टिंग से ही करूँगा। अब क्या करना है कि अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं अपने स्लाइड का। इसके लिए हम राइट क्लिक करके फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे, सॉलिड फिल, या आपको पिक्चर फिल करना है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए मैं सॉलिड फिल पे जाऊँगा और कोई कलर सेलेक्ट करूँगा, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, या फिर इससे थोड़ा आ रहा ये, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि टेक्स्ट ऐड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, वर्ड आर्ट जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और ये हमारा टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब टेक्स्ट में हम लोगों को ये दिख रहा है, आपको इस थोड़ा शैडो दिख रहा है, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे होम पे और ये शैडो हटा देंगे, और हमारा फॉन्ट भी वो भी इतना अच्छा नहीं लग रहा। सो लेट मी जस्ट सेलेक्ट कोई और फॉन्ट, हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, जस्ट फॉर चेंज क्या सेक्ट करें, ये एरेस बोल्ड इटैलिक, हाँ ये अच्छा दिख रहा है, आई थिंक। सो ये सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अपना जो भी लिरिक्स है वो हम इस स्लाइड में ऐड करेंगे। तो मैंने ये लिरिक्स यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी कर रखा है, हमें क्या करना है, यहाँ से ये 5 AM जैसे मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, और अपने स्लाइड पे गए, इसमें यहाँ कॉपी करके इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब क्या करना है, हमें सिमिलरली बहुत सारे स्लाइड्स बनाने हैं और उसमें अपना लिरिक्स लिखना है। तो मैंने इस पहले स्लाइड को सेलेक्ट किया और कंट्रोल डी प्रेस किया, इससे मेरा स्लाइड डुप्लीकेट हो गया। बट इस स्लाइड में हमें ये सॉन्ग नहीं चाहिए, क्योंकि सॉन्ग फर्स्ट स्लाइड से ही चलता आएगा और हमारे इंटायर जो भी स्लाइड्स हैं प्रेजेंटेशन में चलेगा। तो ये हमने डिलीट कर दिया यहाँ से। अब 5 AM, इसके बाद लिरिक्स में क्या है, एंड वी आर इन ट्रबल, तो हम क्या करेंगे 5 AM एंड, ठीक है, इसके बाद वी आर इन ट्रबल, ठीक है। तो अब हम आज देखते हैं कि इसको कैसे सिंक में करना है। तो अभी के लिए मैं F5 प्रेस करूंगा टू सी कि अभी क्या हो रहा है, अभी क्या स्लाइड बना है। तो F5 मैंने प्रेस किया, 5 AM and we are in trouble. सो आप देख सकते हो कि अभी कोई भी ट्रांजिशन नहीं हो रहा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं पहला स्लाइड सेलेक्ट करूंगा, आई गो टू ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन पे जाने के बाद नो नन सेलेक्ट करूंगा, और ट्रांजिशन का ड्यूरेशन है, मतलब ट्रांजिशन कितने टाइम के लिए होना चाहिए वो मैं मिनिमल कर दूंगा कि एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाने में टाइम ना लगे। अब मुझे क्या करना है कि ये फर्स्ट स्लाइड कितना टाइम तक दिखाना है वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ आफ्टर करके। तो आफ्टर मुझे फॉर एग्जांपल कि मुझे 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड तक ये चलाना है, उसके बाद ये एंड पे जाएगा, ठीक है। और ये मैं क्या करूँगा, अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ। तो
तो अब ऑल पे कर दिया, मतलब सब सारे स्लाइड 2 सेकेंड्स तक चलेंगे, 2 सेकेंड तक सारे स्लाइड चलेंगे। अब मैं F5 प्रेस करूँगा, देखूँगा कि अभी क्या मतलब क्या ऐसा स्लाइड ट्रांजिशन कर रहा है। 5 AM and we are in trouble. तो आप देख रहे हो कि एंड बहुत टाइम ले रहा है, तो हम क्या करेंगे एंड को, एंड का टाइमिंग कम कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने जाके इसको 40 मिली सेकेंड्स कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं प्ले करके। 5 AM and we are in trouble. वी आर पे अटक गया, तो इसको भी 1 सेकेंड कर देते हैं, इनको भी 1 सेकेंड कर देते हैं, ट्रबल को 2 सेकेंड रहने देते हैं। अब प्ले करते हैं। 5 AM and we are in trouble. इन भी और भी ज़्यादा टाइम ले रहा है, 1 सेकेंड भी बहुत हो गया, तो इसको मैं 1 सेकेंड खत्म हटा के यहाँ पे मैं 50 मिली सेकेंड्स पे ले लूँगा। अब प्ले करते हैं। 5 AM and we are in trouble. भी यार कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो इसको हटा के मैं क्या करूँगा, 70 डाल देता हूँ। या लेट मी जस्ट प्ले इट वंस अगेन। 5 AM and we are in trouble. या तो आई थिंक आप देख रहे हो कि आपका जो स्लाइड है वो ऑडियो के साथ सिंक हो रहा है, राइट। 5 AM and we are in trouble. तो ऐसे हम अपना ऑडियो है उसके यूज़ करके हम अपना लिरिक्स वीडियो बना सकते हैं, या फिर कोई काइनेटिक टाइपोग्राफी बना सकते हैं। तो काइनेटिक टाइपोग्राफी में फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ये स्लाइड है और ये मेरा टेक्स्ट है, मैं चाहता हूँ कि ये डायरेक्टली अपीयर ना होके इसमें कुछ एनिमेशन हो, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, आई विल गो टू एनिमेशन और फॉर एग्जाम्पल मैं फ्लोट इन जैसे ये यूज़ करता हूँ फ्लोट इन, ठीक है, और एनिमेशन पैनल पर जाऊँगा और मैं चाहता हूँ कि ये लेटर बाई लेटर आए। तो अभी ये जो स्लाइड है माउस क्लिक पे, ये माउस का सिंबल मतलब कि माउस जब ये क्लिक करोगे तब ये प्ले होगा, बट मैं चाहता हूँ कि ये जैसे ही स्लाइड ओपन हो ये प्ले हो जाए, तो इसके लिए राइट क्लिक करूँगा और स्टार्ट विथ प्रीवियस करूँगा। अब इस पर डबल क्लिक करूँगा तो इस पर सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे एनिमेट टेक्स्ट ऑल एट वंस, मतलब ये जो टेक्स्ट है एक बार में अपेयर हो रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि ये लेटर बाय लेटर हो, ठीक है, और इसका ड्यूरेशन ज़्यादा हो थोड़ा, और टाइमिंग मैं देखता हूँ कि इंटायर एनिमेशन का जो टाइमिंग है वो मैं चाहता हूँ कि 1 सेकेंड का हो, ठीक है, 1 या 2 सेकेंड देख लेते हैं। ओके अब चेक करते हैं। या सो आप देख रहे हो कैसे एनिमेट हो रहा है। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, टाइमिंग पे जाके इसका टाइमिंग थोड़ा और कम कर देता हूँ, 1:05। हाँ तो ये भी ठीक ही लगा है, बट परफेक्ट। हाँ अब चेक करते हैं प्ले करके। 5 AM and we are in trouble. So आप देख रहे हो इस तरह से आप अपना टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हो, फिर अपना ऑडियो अपने स्लाइड के साथ सिंक कर सकते हो, और इस वीडियो को मतलब फाइल को आप एज ए वीडियो भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे सेव है, एक्सपोर्ट पे गए, एक्सपोर्ट पे जाके आप क्रिएट वीडियो किया और यहाँ पे जो भी फुल एचडी में करना है जो भी है और क्रिएट वीडियो पे क्लिक किया तो आपका वीडियो बन जाएगा। बट एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि मुझे इस ये जो इसका बैकग्राउंड है मैं चाहता हूँ कि इसमें फ़ोटो आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाऊँगा और यहाँ पे पिक्चर फिल पे जाऊँगा और पिक्चर फिल में फिर यहाँ से जाके इंसर्ट में मैं अपना जो भी पिक्चर डालना है मुझे वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं डाउनलोड्स में गया, डाउनलोड्स में और मैं सेलेक्ट करना है मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल ये, ठीक है, तो ये मैं सेलेक्ट कर लिया, ये अच्छा नहीं लग रहा, लेट मी जस्ट सेलेक्ट समथिंग एल्स। जैसे ये गाड़ी सेलेक्ट कर लेते हैं, या अब इसको क्रॉस कर देते हैं, बट जो टेक्स्ट देखोगे वो नहीं दिख रहा, तो हम लोग टेक्स्ट को सेलेक्ट करके होम पे जाके यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लैक कर दिया, आप चाहो तो इसको मूव भी कर सकते हैं कहीं पे, हाँ, या फिर सेंटर में रखना है तो सेंटर इज़ फाइन, शैडो डालना है तो शैडो डाल सकते हो ताकि थोड़ा सही से दिखे, ठीक है। अब प्ले कर दें। 5 AM and we are in trouble. सो ऐसे करके हम लोग अपना जो भी ऑडियो है वो सिंक कर सकते हैं और स्लाइड बना सकते हैं, जैसे कि मैंने ये बनाया था
और उसको 1 2 3 I don't know who else to be 4 5 6 like they say I can't be fixed 1 2 3 your attention's all I need 4 5 6 don't let it slip 1 2 3 So इस तरह से आप अपना ऑडियो सिंक करके और अपना फोनेटिक टाइपोग्राफी का स्लाइड्स बना सकते हो, उसको एज अ वीडियो भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये एक पहला मेथड था जिसमें मैनुअली आपको, आपने देखा कि आपको मैनुअली सारे टेक्स्ट का 1 by 1 आपको यहाँ पे ट्रांजिशन में जाके आपको टाइमिंग टिक करना पड़ रहा है। बट एक और ऑटोमेटेड प्रोसेस है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको मतलब डायरेक्टली एक ही बार में सारा स्लाइड बना के और इसका टाइमिंग ठीक कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, विल मीट सून दूसरी वीडियो में। ठीक है, दूसरी वीडियो हम लोग फिर से देखते हैं कि दूसरा मेथड कैसे यूज होता है और कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई सजेशंस हो या कोई आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में फिर वो ट्यूटोरियल बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।